इंडो पाक इशू से डील कर रही एक था टाइगर के टाइगर यानी सलमान खान अब निकल चुके हैं अपने पहले मिशन पर, मिशन सरबजीत सिंह की रिहाई का। अपने इस मिशन के लिए सलमान अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सलमान ने पाकिस्तान की आवाम और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से लगाई है गुहार, रिहा करो सरबजीत को। सरबजीत एक हिंदुस्तानी फार्मर है जो पाकिस्तान की जेल में पिछले 22 साल से हैं, जो अब तक अपनी रिहाई के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में शामिल हो गया है टाइगर। सलमान ने बीती रात सरबजीत को लेकर की रिक्वेस्ट। Request to the Awam of Pakistan, members of the press, government of Pakistan, President Zardari, a humble request. Salman ne apne mission ke liye manga apne Pakistani fans ka saath. Requesting the people of Pakistan to support me to help free Sarabjit, who has been in prison since 30 years. Please, Allah ka vaasta. सलमान ने इसे बीइंग ह्यूमन के बाद अपना नया कॉज बना दिया है। उन्होंने अपने फैन से कहा है कि वो सलमान का कॉज न समझकर समझे इसे खुद का कॉज और सरबजीत की रिहाई में उनके साथ आवाज उठाएं। सलमान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा तो हमें दुबई में ही हो गया था, जब पाकिस्तान से मिलने सलमान के फैंस दुबई तक आ गए थे। सलमान की लेटेस्ट फिल्म एक था टाइगर भी इंडो पाक के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते से डील करती है, और इस फिल्म में टाइगर बन इस रिश्ते की मिस्ट्री सॉल्व करने चले सलमान ने रियल लाइफ में भी टाइगर बन हाथ में ले लिया है एक केस सरबजीत का। अब सलमान जैसे बड़े स्टार की इस मुद्दे पर खुलकर उठी आवाज पाकिस्तानी आवाम के दिल तक पहुंचेगी, लगेगी और उम्मीद करते हैं बात भी बन जाएगी। आखिर सलमान एक बार जो कमिटमेंट देते हैं वो पूरा जरूर करते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। हाय, दिस इज ओमर कुरैशी। लाइक जूम टीवी ऑन फेसबुक एंड गेट द लेटेस्ट स्पाइसी अपडेट्स फ्रॉम बॉलीवुड।